सर सर लेफ्ट टू राइट सर दिस क्या है सर सेंटर सेंटर आप लोग क्या वेट 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 और एक बार चालू रहने दो बंद क्यों कर रहे हो अरे रुकना मैडम मानू तेरे ऑडियो खराब हो गया है नहीं चल रहा है वो आगे जाने दो चलो कनेक्ट करना और एक कनेक्ट है फोटो हो गया तो वाली चला हां हां जरा लाइट अप मत करना एक वेट 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 ये व्हाइट लाइट कौन दे रहा है उसको बोलो बंद करे जो चालू है चालू वो व्हाइट लाइट मैम मैम एक मिनट एक मिनट एक मिनट है एक मिनट वीडियो 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 के लिए वीडियो के लिए ये खाली बस था अरे अरे भाई क्या कर दो एक मिनट अरे वीडियो वीडियो एक अरुण हाँ तो लोना यार साइड में बताओ स्वाति वत्सा मीरा इन द सिटी शुड स्टार्ट एक्चुअली सो टेल देम अबाउट सीजन 3 गर्ल इन द सिटी में अभी तो आई थिंक जो पहले दो सीजन्स हो चुके हैं उसका एक कल्मिनेशन सा ही है ये थर्ड सीजन जो दो सालों से मीरा करने की कोशिश में है वो फाइनली शी इज़ टेकिंग दैट डायरेक्शन नाउ इन हर लाइफ एंड फाइनली गेटिंग लर्निंग शी इज़ फाइनली और होपफुली लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स दैट शी इज़ मेड इन द पास्ट टू ईयर्स आई नो दैट द लास्ट टू सीजन शी इज़ यू ओनली सीन हर स्ट्रगलिंग विथ पीपल एंड शी इज़ ओनली गॉटन इन टू ट्रबल लेकिन इस साल इट्स ओनली गोइंग टू बी मेक और ब्रेक आइदर अभी वो शी वांटेड टू डू समथिंग तो फिर आपको पता है मजा कैसे आएगा ऑनेस्टली देयर इज नॉट मच दैट वी कैन से राइट नाउ बिफोर यू एक्चुअली वॉच इट आई एम श्योर इवन यू वुडंट वांट टू हियर क्योंकि अभी तो मस्ती वाला म्यूजिक बंद करवा दो ना एंड इस बार काफी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स भी हैं तो इसीलिए हम आपको कुछ बता नहीं सकते अभी आप देखिएगा हम ज्यादा कुछ अभी बता नहीं सकते लेकिन ये जरूर मजा पक्का आने वाला है हां आपको जरूर मजा आएगा और इन मीराज जर्नी आई थिंक लाइक आई सेड शी इज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड नाउ शी इज फाइनली टेकिंग द डायरेक्शन दैट शी इज ऑलवेज वांटेड टू एंड दिस इज इट दिस इज मेक और ब्रेक अगर इट कैन गो आइदर वे इफ इट वर्क्स आउट इट्स ग्रेट इफ इट डजंट वर्क आउट शी हैज टू गो बैक होम सो नाउ इट्स व्हाट विल हैपन Mithila is totally different from Meera. Like, you always a rebel. You always want to take up challenge. You always defied convention. Here you are quite, you are submissive. You are being dominated. You are being given a raw deal. Yes. Yes. So how do you equate that, Meera and I think I don't need to equate it because they are two different people. So I don't think I need to equate it to make it because then how are they two different people? There are obviously some similarities. Some things are similar. Things are starkly different. But having said that, Meera is a rebel too. I mean, if it wasn't for the rebel in her, she wouldn't have left her home and come here.
So I think there are some of those similarities. I've always said this, that the only difference, the major difference that exists between the two of us is that Meera's idea of romance and Mithila's idea of romance are very different, and Mithila is very old school for Meera that way. We agree. Mithila ne ek naya daira diya hai bahut sari cheezon ka, nahi kahani ji kya koi aisi kahani hai jo aap kehna chahte hain aane wale rozgar mein? Jab batana chahungi, kehna chahungi, tab aap suni loge. You mean to say girl in the city mein ya waise? So new entrant nahi hai wo. New entrant nahi hu. We are playing Meera's friends in season 1. I don't know if a lot of you people don't know about it maybe. So I am Sameera and obviously he is Kartik and hum Meera ke best friends hain. And hum season 1 and 2 mein bhi uske best friends the. Par abhi season 3 mein aap log dekhenge ki kaise hum ek dusre ko, you know, we are encouraging them actually, encouraging each other actually in, you know, in their careers, in their endeavors, in their relationships actually. And yes, main ab zyada aapko bata nahi sakti, otherwise aapko story pata chal jayegi. चैप्टर वन में भी शेफ था. नहीं, मैं असली रियल लाइफ में मतलब खिलाया है मैंने लोगों को, इन दोनों को नहीं खिलाया इतना. लेकिन अदरवाइज आई एम नॉट अ गुड कुक, लाइक रजत इज़ नॉट अ गुड कुक लाइक कार्तिक, बट मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करके काइंड ऑफ सैंडविचेस, कॉफ़ी और वो सब बना लेता हूँ. सो अकॉर्डिंग टू स्वाति वो कोल्ड कॉफ़ी अच्छी बना लेता है. जस्ट अच्छी इज एन अंडरस्टेटमेंट, मैं बहुत अच्छी. आई शुड बी द वन सेइंग दैट, बट मुझे पता है तू क्या बोलने वाली है. सो यस. यार मैं तो मतलब अगर मेरे हाथ में छोड़ दिया ना तो यू विल सी मी इन पजामास. तो मेरी जो स्टाइलिस्ट है शी इज़ लाइक अ बून इन माई लाइफ, क्योंकि अगर इफ इट इज लेफ्ट टू मी तो यू विल सी मी एवरीवेयर इन पजामास. मेरे को इफ इट्स लेफ्ट टू मी और इफ इट्स नॉट लेफ्ट टू मी, आई एम स्टिल ऑलवेज इन पजामास. सो आई विल ऑलवेज बी इन पजामास. हमारी फैशनिस्टा है ये, इसको पूछो ये सवाल इसके लिए. स्टूडेंट, सो आई लाइक ड्रेसिंग अप अ लॉट. तो मुझे ऑब्वियसली बॉलीवुड में काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे कंगना बहुत पसंद है, दीपिका ऑफ कोर्स बहुत पसंद है, सोनम कपूर, आलिया भी पसंद है. आई रियली लाइक हर फैशन सेंस एक्चुअली. No, in the sense that I have successfully managed to keep those lives separate. So even I don't think in terms of fashion that has come to me. Also naturally as Mithila, I am not very fashion conscious as a person, and it's a good question, but strangely over the last 3 years that hasn't changed. Like that hasn't had too much of an influence because that's just how I am. I'm just not very brand conscious or fashion conscious or anything of that sort. Anything that's comfortable. गाड़ी में भी हम वही कर रहे थे, हमारी सेंसलेस और दिल की बातें होती है, देयर इज नो दिमाग इन्वॉल्व. Yeah. Which is a nice thing. It's a good thing to have that. कि तुम ज़्यादा calculative नहीं हो रहे हो. So it's a nice thing. हाँ. I right now would predominantly want to talk about Girl in the City. Of course, I'm excited and I'm extremely nervous. But I will get to that when I'll cross that bridge when I get there. Are you excited to watch Girl in the City? Because we are. Okay, thank you guys.